हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.2, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 19.2 के मैं ऑलरेडी दो पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट वन और पार्ट टू, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेकर क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व किया है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, आपको गिवन क्या है, कैपेसिटी गिवन है किसकी, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल की। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे ओके, कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू 15.4 लीटर्स। ओके, अब जब भी बात होगी कैपेसिटी की तो इसका सिंपल सा मतलब है ये बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। ओके, तो ये बेसिकली आपका कैपेसिटी है, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम है। ओके, वॉल्यूम आप लिखेंगे 15.4 लीटर्स। और क्या गिवन है बच्चों, हाइट भी आपको गिवन है। ओके, तो आप लिख लेंगे हाइट। ओके, हाइट का वैल्यू है 1 मीटर। ओके, ये जो आपका हाइट है इसका वैल्यू आपको गिवन है 1 मीटर। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझना, ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसको बनाने के लिए कितने मेटल शीट की ज़रूरत होगी, यही आपको बताना है मीटर स्क्वायर में। ओके, देखिए यही आपसे पूछा है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। ओके, तो इसका सिंपल सा मतलब है ये जो वेसल है आपका, ये मेटल शीट का बना हुआ है। ओके, ये किसका बना हुआ है, मेटल शीट का। ओके, तो बच्चों समझने वाली बात ये है कि आपसे क्या पूछा है और आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। आपको कैसा पता चलेगा कि सी एस ए निकालना है या फिर टी एस ए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपसे पूछा है क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल, इसका सिंपल सा मतलब है ये दोनों तरफ से कैसा होगा, क्लोज होगा, है ना। तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ओके, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच। ओके, बेसिकली ये होगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो बच्चों आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। ओके, देखिए एच का वैल्यू आपको मालूम है 1 मीटर, लेकिन आर का वैल्यू आपको नहीं पता, आर का वैल्यू आपको कहीं भी गिविन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आर का वैल्यू यहाँ से आपको निकालना है। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लिखेंगे ओके, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 15.4 लीटर्स। अब लीटर्स को आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर क्यूब में। ओके, आप 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 0.0154 मीटर क्यूब। ओके, सिंपली हमने 1000 से इसको डिवाइड कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज को आप पुट कर देंगे। ओके, आप लिखेंगे 22/7 ओके इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए आर आपको लेट करना पड़ेगा, लेट रेडियस बी आर, ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया रेडियस कितना है आर। ओके, एच का वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 मीटर, और 0.0154। ओके, तो आर का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 0.07 मीटर। ओके, आप फाइंड कर लेना, यही आएगा। अब देखिए आर का वैल्यू आपके पास आ चुका है,
अब जैसे ही आपके पास आर का वैल्यू आता है, आपको क्या करना है, सिंपली टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में आपको आर और एच का वैल्यू रखना है ना। तो चलिए इसको रख देते हैं, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर 0.07, ओके 0.07 प्लस 1 मीटर, ओके। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, ओके। एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों आप यहां पर लिख देंगे, दस 0.4708 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट वुड बी 4708 मीटर स्क्वायर वुड बी नीडेड टू मेक सिलेंड्रिकल वेसल, ओके। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, ओके, उसे डेली सूप दिया जाता है, ओके। और जिसमें सूप दिया जाता है, जिस बाउल में, वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है, ओके। कैसा बाउल है, सिलेंडर की शेप में है, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अब मान लीजिए कि ये आपका सिलेंड्रिकल बाउल है, ओके, जिसका हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, ओके। इस हाइट तक डेली बेसिस पर सूप दिया जाता है, ओके, 4 सेंटीमीटर, तो हम इसको ही लेकर चलेंगे, ओके। अब देखिए डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर आप निकाल लेंगे रेडियस, रेडियस हो जाएगा आपका डी बाई टू, ओके, दैट मीन्स 7/2, दिस विल गिव यू 3.5 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद क्या पूछा है, हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो अब आपको ये बताना है कि हॉस्पिटल को इसी तरीके से अगर वो 250 पेशेंट्स को वो डेली सूप पिलाएं तो कितने सूप की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स। तो बच्चों यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल बाउल, यानी कि जो सूप है, ओके, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो एक बाउल का आप वॉल्यूम निकाल लोगे, उसके बाद 250 के लिए उस वन वॉल्यूम को आप 250 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मेरी बात आ गई समझ में, आपको एक बाउल का वॉल्यूम निकाल लेना है, उसके बाद उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास 250 पेशेंट्स का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा और वही आपसे पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाइट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओके, हाइट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं, आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल, ठीक है। आपको अभी निकालना है सिंगल बाउल के लिए जिसमें वो पेशेंट सूप पीता है, ओके, तो लिख लीजिए पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का क्या मतलब है, 3.5 इंटू 3.5, ओके, इंटू एच, एच का वैल्यू 4 है, ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आपका है वॉल्यूम, तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ओके। अब आप निकाल लेंगे वॉल्यूम, अब आपके पास एक बॉल का
वॉल्यूम निकल के आ चुका है, आप निकाल लेंगे 250 पेशेंट्स के लिए। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सूप इन 250 बॉल्स। ओके, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 250 को मल्टीप्लाई कर दोगे 154 से। ओके, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे लीटर्स में। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 38.5 लीटर्स। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।